thankful to you for a wonderful day. I can see smile on every face. चलो के बिहार चलना, तो इतने करीब से देखने को मिल गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार ये देख रहा हूँ। काफी खूबसूरत है फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं इस वक्त अभी भी हैदराबाद में और ये हैदराबाद का लास्ट ब्लॉग है। मैं अपने एक और हैदराबादी फ्रेंड्स के पास हूँ जो हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं और उनके पास किस्म किस्म के रंग बिरंग के बहुत से रंग बिरंगे परिंदे हैं। वो परिंदे को इस तरीके से मानुस बना देते हैं, इतने अच्छे मानुस बनाते हैं, लेकिन उस परिंदे की कीमत अगर आप सुनोगे ना भाई तो रात में नहीं दिन में ही तारा दिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। तो फ्रेंड्स ये है हमारे अली भाई और अली भाई के हाथ में ये देख सकते हैं तोते हम लोग, लेकिन इसके पास किस्म किस्म के रंग बिरंगे परिंदे हैं और इसको इस तरीके से किस तरीके से इन्होंने मानुस बनाते हैं, इस तरीके से पाल करके मानुस बनाते हैं कि अगर आप अपने हैंड पे भी बताओ तो बैठ जाते हैं और जिस तरीके से बोला उस तरीके से आते। तो आज इसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे अली भाई। I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see smile on every face. Mashallah, I'm celebrating this beautiful day. Oh Allah, you have chosen us for this beautiful day. Oh Allah, I'm really thankful to you for a wonderful day. Oh Allah, I can see smile on every face. जो बर्ड्स हैं या परिंदे जो आरिफ भाई बोल रहे हैं इन्हें मकाऊ बोलते हैं। ये ब्लू गोल्ड मकाऊ हैं और ये खासकर ये जो हमारे फार्म पे ब्रीड होते हैं और घर पे रेज होते हैं उन्हें बोलिवियन ब्रीड के हैं। ये एक्सट्रीम ब्राइट ब्लू, शार्प ब्लू या पर्शियन ब्लू कलर रहता है। काफ़ी हैवी साइज होता है, एक बर्ड लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास का होता है। नए घर ले आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपके घर में कोई फैमिली, नया फैमिली मेंबर आ गया है। पता नहीं चलता मेल है कि फीमेल है, इनका डीएनए ब्लड सैंपल या फीवर सैंपल देके डीएनए कराना पड़ता है। गोया कि हमारे अली भाई इसको एक घर के एक बच्चे के तरीके से पालना पड़ता है। जी, एक तरह से एक परिंदा है, बोल नहीं सकता लेकिन ये हर चीज समझ रहा है। हर मेरे पे नहीं आ रहे भाई, थोड़ा हाथ में चुपता है। ओह तो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, कितना स्मार्ट है। हेलो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखना यहाँ। तो गोया के अली भाई इसकी कीमत क्या है? ये स्टार्ट होते हैं, डिपेंड करता है इनकी साइज और एज के ऊपर। अब ये जो स्टार्टिंग एज रहती है 1,65,000 से लेके 2,55,000 ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। क्या आवाज़ें दे रहा भाई, अगर इसके मैं मुंह में उंगली डाल रहा हूँ तो वो देखो कितने जबरदस्त ले रहे हो। ये एक बहुत रेयर ब्रीड है, ये स्पेशल म्यूटेशन है, मतलब आप देख सकते हैं एकदम लाल है ये बहुत, और बाहर से ग्रीन और ब्लू है। अगर आप इसके परों को थोड़ा सा खोलेंगे तो आपको ब्लू गोल्ड, ये देखिए पूरा ब्लू कलर है। अब प्राइस स्टार्ट होता है 3.5 लाख से और ये कम से कम 4.5-5 लाख तक भी चल लेता है। फ्रेंड्स अगर आप किसी को भी बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे अली भाई का नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक्टिव बर्ड है, इसको आप ट्रेन करेंगे तो इसको मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको लग रहा है कि अब और मुझे ऐसे सहलाया जाए, उसको ऐसे आंखें भी बंद कर ले रहा है। और फ्रेंड्स ये मुझसे दुश्मनी निकाल रही है भाई। कौन से जमाने की दुश्मनी निकाल रही है। काफी खूबसूरत लग रहा है, सबसे जबरदस्त व्यू जो आ रहा है देख रही, और भी बिल्डिंग दिख रहे हैं, क्या जबरदस्त आ रहा। चलो के बिहार चलना, इतना खूबसूरत लग रहा भाई। वाह वाह, फ्रेंड्स मैं उस दिन हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गया था ना, तो इतने खूबसूरत परिंदे नहीं देखे। परिंदे के पास गया लेकिन इतने करीब से देखने को नहीं मिले, लेकिन आज मैं अली भाई इसके पास आए तो इतने करीब से देखने को मिले और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार ये देख रहा हूँ। ये बोलेवियन ब्लू गोल्ड बका हुआ है, खासकर ब्लू गोल्ड में भी बोलेवियन ब्लू गोल्ड आता है, वो हैवी साइज ब्लू शार्प ब्लू कलर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अली भाई के बर्ड है, और अली भाई के ही पास रहने में उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं रहे। हमारे अली भाई इसमें कैसे कैसे ब्रीड आते हैं, और कैसे पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, या कैसे पता चलता है कि ये बीमार है? सबसे पहले तो ये ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है। अब ब्लू गोल्ड मकाऊ में एक नॉर्मल ब्लू गोल्ड मकाऊ आता है, और एक ये स्पेशली बोलेवियन ब्लू गोल्ड मकाऊ है। अगर आपको सबसे पहले इनको चेक करना है तो इनकी बीक एकदम सेंटर पोजीशन होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कभी नेल्स भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी आवाज़ बहुत हार्ड है जी, आवाज मतलब है जैसे छोटा है इसलिए, यानी गोया के भूख भी लगी रहती तो ये आवाज करता जी। और इसको खाने में क्या देते हैं? इसका हैंड फीडिंग अभी फॉर्मूला आता है, 6 महीने तक वही खाता है, लाइक अपने बच्चों को सेरेलैक कैसे खिलाते हैं वैसे। इसका एक पाउडर आता है, उसको पानी में मिक्स करके खिलाया जाता है। इसकी एज कितनी होती है अली भाई? अभी 60 साल तक ये ग्रो होते हैं। वाओ, एक इंसान की जितनी एज है ना, परिंदे की भी 60 साल तक एज आती है जी। अगर आप ये इन्हें अपने घर में ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक नया फैमिली मेंबर अपने घर में ला रहे हैं, और बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहेगा, और एक मतलब ह्यूमन की तरह आपके साथ अटैच रहेगा ये। पकड़ के खाएगा उसको। अच्छा फ्रेंड्स, ये जितनी आवाज दे रहे ना, कुकू कर रहे ना, गोया किसे भूख लगी है। वाओ, इनो कान फाड़ दे दो भाई। वाओ, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई फ्रेंड्स। वाओ, काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। तो हमारे अली भाई, आपके साथ मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। दुआ में याद रखे जरूर भाई। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, और बहुत बहुत तरक्की दे आपको अल्लाह। आमीन आमीन। काफ़ी मज़ा आया हमारे अली भाई के साथ मुलाकात करके, और इसके रंग बिरंगे बर्ड से मिले और बहुत इंजॉयमेंट करे। किसी भी फ्रेंड्स को अगर बर्ड खरीदना है तो आप हमारे अली भाई से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बगैर मत जाना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलो। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।